नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना और व्यक्तिगत करदाताओं की ओर से दाखिल आयकर रिटर्न में घोषित आय में तालमेल नहीं होने के आधार पर भेजे गए 1,00,000 नोटिस का निपटान मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये नोटिस 50,00,000 रुपए से अधिक आय वाले लोगों को विभाग के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जारी किए गए हैं। इसके अलावा ITR नहीं भरने वालों को भी नोटिस भेजे गए हैं। सीतारमन ने 164वें आयकर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मुझे आश्वस्त किया है कि मार्च 2024 तक सभी 1,00,000 नोटिस का निपटान कर लिया जाएगा। सरकार ने DNA प्रौद्योगिकी विधेयक 2019 लोकसभा से वापस ले लिया है। 8 जुलाई 2019 को तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था। सरकार ने सोमवार को 3 नए विधेयक भी पेश किए। इनमें छत्तीसगढ़ के 2 समुदायों को ऐसी सूची में शामिल करने के लिए विधेयक, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 शामिल है। छत्तीसगढ़ के महारा और महारा समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में संविधान आदेश विधेयक 2023 पेश किया। ट्रेन में सफर करने वाले गरीब और मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है। ये ट्रेनें पूरे साल चलाई जाएंगी। नॉन AC जनरल कैटेगरी वाली इन ट्रेनों को उन शहरों के बीच चलाया जाएगा जहां श्रमिकों का आना जाना ज्यादा होता है। इन ट्रेनों में 22 से 26 कोच होंगे। इन्हें त्योहारी सीजन के बजाय पूरे साल अस्थायी रूप से चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही इन ट्रेनों को चलाने पर काम कर रही है। गरीबों और श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों के टिकटों के दाम भी कम रखे जा सकते हैं। इस साल होने वाले कुश्ती के एशियन गेम्स के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और पहलवान विनेश फोगाट को डायरेक्ट एंट्री दी गई है। पहले ब्रजभूषण सरन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने और फिर डायरेक्ट एंट्री स्वीकार करने की वजह से इन दोनों पहलवानों की खूब आलोचना हो रही है। अब दोनों ने सामने आकर चुप्पी तोड़ी और आलोचकों को जवाब दिया। इन दोनों का कहना है कि एक बार देश के सारे कुश्ती संगठन मिलकर इनकी बात सुन लें और वे कहेंगे तो दोनों कुश्ती ही छोड़ देंगे। आप सांसद संजय सिंह को सोमवार को राज्यसभा से निलंबित किए जाने के कुछ घंटों बाद इसके सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शिष्टाचार और अनुशासन लागू करने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेना आवश्यक है। भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मैं एक तरीके से काम करता हूँ। लोकतंत्र के मंदिर में मैं अपने अधीन हर चीज का उपयोग करता हूँ। हमारे पास मर्यादा है, हमारे पास अनुशासन है। मर्यादा और अनुशासन लागू करने के लिए कभी कभी हमें कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो जाएगा। इस उपलक्ष्य में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 से 27 जुलाई 2023 तक उड़ीसा का दौरा करेंगी। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। देश समेत पूरे बिहार में 29 जुलाई को मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय ने मुहर्रम को लेकर सभी जिलों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया है। साथ ही इसके मद्देनजर सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी 1 अगस्त तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि मुहर्रम को लेकर थानावार शांति समिति की बैठक की जाए। बता दें कि मुहर्रम को लेकर संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है। देश में सेना और नागरिक बलों के बीच चल रही झड़पों के कारण 301 बच्चों और 208 महिलाओं सहित लगभग 718 म्यांमार नागरिक मणिपुर के चंदेल जिले में प्रवेश कर चुके। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। मणिपुर के मुख्य सचिव विनित जोशी ने एक बयान में कहा है कि राज्य सरकार ने असम राइफल्स से म्यांमार के नागरिकों को वापस भेजने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तथ्य और कारणों पर स्पष्टीकरण के लिए असम राइफल्स से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। क्यों और कैसे 718 म्यांमार नागरिकों को उचित यात्रा दस्तावेजों के बिना चंदेल जिले में भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी राजनयिक वांग यी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों ने भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थिति के बारे में बात करते हुए डोभाल ने कहा कि 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया को देश का अब तक का सबसे दिशाहीन गठबंधन करार दिया है और ईस्ट इंडिया कंपनी तथा इंडियन मुजाहिदीन जैसे नामों का हवाला देते हुए कहा है कि केवल देश के नाम के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही।
राजस्थान विधानसभा में सोमवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला। बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के विधायकों के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राजेंद्र गुढ़ा ने रोते हुए उनके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान एक लाल डायरी को भी लेकर काफी चर्चा हो रही है। दवाओं की कीमत से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, क्योंकि बीमारी अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आती है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लंबी बीमारी का इलाज कराने में परेशानी जरूर आ जाती है। समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार अगस्त से लगभग 100 प्रकार की दवाओं के रेट में कमी कर सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि लंबी बीमारी की दवाओं की लिस्ट बनाई जा रही है। इन्हीं दवाओं को सस्ता करने का प्लान हेल्थ मंत्रालय का है, ताकि आमजन को उपचार कराने में कोई परेशानी न हो। देश भर में मुद्रा स्फीति की दर निर्धारित करने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू हो गई है। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक एन के संतोषी ने बताया है कि केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा महंगाई दर मुद्रा स्फीति के सटीक आंकलन के लिए खुदरा महंगाई दर की पारदर्शिता, निष्पक्षता और त्वरितता लाने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं, ईंधन, आटा, दाल, चावल, कपड़े, गहनों के साथ साथ अब ऑनलाइन बाजार, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन कारोबार की दरों पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी। भारत सरकार ने घरेलू मांग को देखते हुए गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वैश्विक बाजार में चावल की कीमतें तेजी से ऊपर जाने की आशंका बढ़ गई है। भारत के निर्यात प्रतिबंध से संयुक्त अरब अमीरात को भी बड़ा झटका लगा है। भारत यूएई के शीर्ष चावल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है और निर्यात प्रतिबंध के कारण यूएई में चावल की कीमतों में उछाल आया है। इससे लेकर यूएई के व्यापारी दूसरे विकल्पों की तलाश में जुट गए हैं, जिससे चावल की कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। जन सुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आज लोकसभा के 543 सांसदों में से आरजेडी के 0 सांसद है। कुछ लोगों को लगता है कि आरजेडी बहुत बड़ा दिल है, लेकिन चुनाव की समझ हमें भी है। पिछले 10 सालों में हमने भी यही काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ परिस्थितियां बन गई है, जिसके चलते उनके 20 से 30 विधायक ज्यादा जीत गए हैं। आरजेडी की राजनीतिक ताकत बस इतनी सी है कि वो अपना एक सांसद आज बिहार में जीत नहीं पा रहे हैं। मेघालय के पश्चिमी तूरा शहर में मुख्यमंत्री कार्यालय पर हमले के आरोप में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिला भाजपा पदाधिकारी भी शामिल हैं। बता दें कि सीएम कार्यालय पर हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सीएम कार्यालय पर हमले के लिए उकसाने का आरोप 2 टीएमसी नेताओं पर लगा, जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। जलवायु के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन केरी चीन से लौटने के कुछ दिनों बाद मंगलवार को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि केरी अपनी यात्रा के दौरान चेन्नई और दिल्ली का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि भारत में केरी 28 जुलाई को चेन्नई में होने वाले G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच नई जानकारी सामने आई है कि भारत आने के लिए सीमा हैदर ने 2 प्लान तैयार किया हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने पाकिस्तान से ही भारत में घुसने के लिए बड़ी प्लानिंग बनाई थी। सबसे पहले उसने नेपाल में 15 दिन का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया और उससे 15 दिनों का टूरिस्ट वीजा आसानी से मिल भी गया, क्योंकि इसी साल 10 मार्च को ही सीमा नेपाल में तकरीबन 7 दिन का वीजा लेकर आई थी और 17 मार्च तक सचिन के साथ रही, जिसका फायदा उसे दोबारा नेपाल वीजा लेने में मिला। हिंदी सिनेमा जगत के जाने माने फिल्म निर्माता और कलाकार राकेश रोशन ने 2011 में 2 आरोपियों द्वारा उनसे ठगे गए 50 लाख रुपए में से शेष 20 लाख रुपए की वापसी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले ने काफी वक्त लिया, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने सोमवार को 2 ठगों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने हाल ही में 2 कथित ठगों को नोटिस जारी किया, जिन्होंने खुद को CBI अधिकारी बताकर बॉलीवुड फिल्म निर्माता राकेश रोशन के साथ ठगी की थी। श्रीलंका की नौसेना ने अपने जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 9 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके 2 ट्रॉलर भी जब्त किए हैं। इसको लेकर मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारियां डेल्ट द्वीप जाफना के पास की गई है। श्रीलंकाई नौसेना ने कहा है कि सभी मछुआरे तमिलनाडु के, जिन्हें सोमवार को पकड़ा गया था। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ की लागत से बुंदेलखंड के सागर में संत रविदास मंदिर का निर्माण करने जा रही है। इसके पहले बीजेपी प्रदेश के 50 जिलों में संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा निकाल रही है। सागर में मंदिर निर्माण भूमि पूजन समारोह पहले 14 अगस्त को निर्धारित था, जिसे बाद में बदलकर 12 अगस्त कर दिया गया है। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर आ रहे हैं। इसके एक दिन बाद ही 13 अगस्त को सागर में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा प्रस्तावित है।
संसद में भले ही इस वक्त मणिपुर को लेकर हंगामा हो रहा है, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद इसी सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट भी सरकार पेश कर दे। यूसीसी को लेकर पिछले कुछ महीनों से देश भर में चर्चा हो रही है। इसके पक्ष विपक्ष में तमाम तरह की राय कायम किए जा रहे हैं। वैसे भारत जैसी विविधता और विभिन्नता किसी और देश में मिलनी मुश्किल है। वैसे में यहाँ एक रूपता को लेकर इस तरह का जोर देना कितना ठीक है, यह भी प्रश्न खड़े करता है। सरकार ने अभी इसका ड्राफ्ट पेश नहीं किया है, लेकिन लोगों के बीच इसको लेकर तकरार जारी है। मिजोरम के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के प्रमुख जोरम थांगा ने कहा है कि भले ही वह केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के पार्टनर हो, लेकिन वह एनडीए की हर नीति मानने को बाध्य नहीं है। सीएम जोरम थांगा ने कहा है कि उनकी राज्य सरकार और उनकी पार्टी केंद्र की एनडीए सरकार से नहीं डरती। उनकी सरकार ने म्यांमार से शरणार्थियों को वापस भेजने से इनकार कर दिया, जो म्यांमार में जुंटा के सैन्य शासन संभालने के बाद यहाँ आ गए थे। क्या भारत दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी है। इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग के अनुमान के अनुसार 1 जुलाई 2023 को चीन की जनसंख्या 142,56,71,000 थी, जबकि भारत की इससे कम है। मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा प्रकाशित जनसंख्या अनुमान संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई 2023 को भारत की अनुमानित जनसंख्या 140,23,29,000 है, जहां देश की संसद में यह तय नहीं हो पा रहा है कि मणिपुर में किस नियम के तहत बहस होगी। वहीं हिंसा से ग्रस्त राज्य आज भी दर्द झेल रहा है। मणिपुर की ये दो कहानियां पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये दो घटनाएं मणिपुर की हैं, जहां एक भाजपा विधायक को करंट देकर मारने की कोशिश की गई, तो एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। विवाह समारोहों और देवी जागरण जैसे जगराता कार्यक्रमों में डीजे पर गाने बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है। सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि ऐसी गतिविधियों के लिए कोई भी रॉयल्टी नहीं ले सकता। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने नोटिस जारी कर कहा है कि शादी समारोह में डीजे पर बजे गानों और जगराताओं के लिए कॉपीराइट सोसाइटी द्वारा रॉयल्टी के संग्रह के बारे में जनता और हितधारकों से कई शिकायतें मिली हैं। अधिनियम की धारा 52 कुछ ऐसे कृत्यों से संबंधित है जिसमें कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अभिषेक कुमार सिंह, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद नौसाद आलम, नौसाद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ट्विटर के पुराने लोगों को चिड़िया की जगह अब नए लोगों एक्स पर चर्चा की जा रही है, आपकी इस पर क्या राय है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।